उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। साथियों, यहाँ पे नैनाणा ब्लॉक का क्षेत्र है और अभी टूट रहा। सामने देखिए आप, ये बड़ा भयंकर यहाँ पे ऊपर से पूरा पहाड़ी लेके आ गया ऊपर से काफी। और ये बाइक भी देखो जो बैठा हुआ, बाल बाल बचे हैं हम लोग। ये बाइक देखो अब दब, आधी से दब गई, साइड की तरफ दब चुकी है और यहाँ पे बाल बाल बचे हम लोग सामने से। ये देखो आप, पूरा ये टूट रहा, अभी ऊपर का हिस्सा पूरा आ गया, लगातार टूट रहा है यहाँ से सामने, और हम लोग बाल बाल बचे हैं। ये होता पहाड़ों में, ये चीज़ स्थिति आती है जब लैंड स्लाइडिंग होती है, तो ये स्थिति आती है। लेकिन यहाँ पे इतना है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा बाइक के यहाँ पे थोड़ा ये टायर पीछे दब चुका है, सामने आप देख रहे होंगे बाइक का टायर दब चुका है। बाल बाल बचे हम लोग, और ये सामने भी अभी मुझे लग रहा है कि ये वाला हिस्सा भी, मैं ये गलत जगह पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से हटना चाहिए। ये वाला हिस्सा भी, जो पेड़ है सामने, ये वाला हिस्सा भी आ रहा है, ये सामने वाला हिस्सा भी आ रहा है। और ये बाल बाल बचे हम लोग, ये नैनाणा ब्लॉक का क्षेत्र है और यहाँ पे हर समय लगातार टूट रहा है। ये जो मलबा, काफी मलबा आ चुका है, अभी जेसीबी ने इसे पहले साफ किया था, फिर दोबारा से फिर से आ चुका है। अभी 12-1 बजे के आसपास का टाइम हुआ है दिन का, और ये देखिए आप, बड़ा खतरनाक लैंड स्लाइडिंग यहाँ पे। बाल बाल बचे यहाँ पे हम लोग, ये सामने देख रहे आप। चलो बाइक निकालते हैं, आ जाओ। तो बाइक निकाल चुके हैं हम लोग, सामने उधर बाइक निकाल चुके हैं, बाइक बच गई। पीछे का हिस्सा दबा हुआ था, जो पत्थर का सामने का हिस्सा दबा हुआ था, बस बाकी हमने निकाल दिया। अभी भी कंडीशन ठीक नहीं है, और ये वाले जगह भी सही नहीं है, यहाँ से भी दूर हटो वैसा वहाँ, इधर इधर तुम्हारी साइड इधर। हाँ, ये वाली स्थिति भी ठीक नहीं है, यहाँ पे हो सकता है ये भी, क्योंकि पानी भर चुका है वहाँ पे, तो ये भी शायद नीचे जा सकता है। और देखो पेड़ है ऊपर, ये वाला पेड़ कभी भी आ सकता है नीचे। अब पैदल जाने लायक भी डर लग रहा है, पैदल कहीं पैदल जाए ऊपर से कहीं आ जाए। पूरा हिस्सा नीचे का हिस्सा देखिए आप, पूरा ये देखिए अंदर पूरा गहरा हो चुका है, सिर्फ मिट्टी और उसमें हल्के छोटे छोटे बजरी है उसमें। और यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं कि यहाँ पे अटक जाए, रोड अटकने कोई चांसेस नहीं है। इसके ऊपर गाड़ियाँ गुजर रही थी, डंपर ही गुजर रहे थे, फिर भी यहाँ पे प्रशासन है वो मूक दर्शक बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। ये रोड बंद होनी चाहिए, कोई ऑप्शन रोड खुलनी चाहिए इसके लिए। ये देखिए आप, पूरा यहाँ तक ही आ गया। उन्हें ना जाओ, हाँ मजबूत पचन मिलेगा। हाँ तुम दंड से आ जाने दो, खा रहा है वो, भगा दो ना तभी। ये आ रहा है यहाँ से गिर रहा है, चले क्यों पंखा पैदल जाने, पैदल तो चले जाओ ना। दाव मैं अलग कोई मूवी डाल दी, गांव पर तो मैं गिड़बड़ी अब जेसीबी को बुला दिया गया है, देखते हैं। लेकिन डर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से काफ़ी मलबा आ रहा है, और जेसीबी आ चुकी है सामने, देखते हैं स्थिति कितना बन पाएगा। ये है नैनीनाणा ब्लॉक का क्षेत्र है ये साथियों, तो दिखाता हूँ यहाँ का एरिया। जेसीबी पहुँच चुकी है, वहाँ से शुरुआत करेगी जेसीबी, ये देख रहे हैं। ये नैनीनाणा ब्लॉक का क्षेत्र है, सामने आप देख रहे होंगे। यहाँ पे फंस चुके हैं हम, जेसीबी इन्होंने निर्णय लिया है कि थोड़ा इसको ये गाड़ी बाइक छोटी गाड़ी के लिए ये सोच रही रोड तैयार हो जाए लगे हुए हैं। लेकिन साथ साथ ही ऊपर से शायद मुझे लग रहा है ये टूट भी रहा है, बड़ा खतरनाक इस समय दृश्य यहाँ पे बन चुका है, बड़ा खतरनाक दृश्य इस समय है यहाँ पे। जेसीबी काम कर रही है लेकिन डर का माहौल बना हुआ है, देख रहे होंगे आप।
मनोवा भी मुझे खिसक रहा है धीरे धीरे। जेसीबी भी दाद देनी पड़ेगी मुझे, जो भाई जो चला रहे हैं जेसीबी को। ये नैनी नाडा ब्लॉक का क्षेत्र है और अभी भी एक घटना हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी आधे घंटे पहले ये ऊपर से मलबा आ गया था। जेसीबी सिर्फ 15 मिनट पहले यहाँ से निकला था, साफ करके इस रोड को साफ करके निकला 15 मिनट पहले, उसके बाद ऊपर का हिस्सा आ गया नीचे की तरफ, आधे से फिर ये वापस आ गए जेसीबी वाले। कोशिश कर रहे हैं छोटी गाड़ियाँ और बाइकें निकल सके यहाँ से, देखते हैं अभी कहाँ तक सफल होते हैं। भाई काफ़ी गाड़ी वहाँ फंस चुकी है सामने, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। सुबह टाइम पर रोड ठीक था तो यहाँ से रामनगर से गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी हल्दी फाल में, लेकिन अब वापस आने के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। साथियों बाल बाल बचा बाइक, बाइक बाल बाल बची हमारी बाइक, हम तो बच गए थे, भाग गए थे वहाँ से बाइक छोड़ के। साथियों जेसीबी तो आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि सामने जो आप पेड़ दिख रहे होंगे ना, सामने पेड़ दिख रहे हैं ना, ये जो आधे बीच बीच मार रखे हैं ये पेड़, और ये कभी भी नीचे आ सकते हैं, इसलिए खतरा बना हुआ है। तो पहले हो सकता है ये पेड़ अगर लटक जाते ये पेड़ तो हो सकता है पॉसिबल था यहाँ पे जेसीबी लगाने का, लेकिन अभी ये कटान करनी पड़ेगी इन पेड़ों की, तब जाके यहाँ पे पॉसिबल बन सकता है, कुछ काम करने के लायक हो सकता है यहाँ पे जेसीबी के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे वो भी हाथ खड़े कर चुके हैं, वो भी कि अब मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि खतरा बना हुआ ऊपर से, और अभी भी कितना कहाँ से और लैंड स्लाइडिंग हो सकती है ऊपर एरिया से, यहाँ साफ करेंगे तो ये पेड़ आ सकते हैं उसके ऊपर, तो खतरा बना हुआ है। इसके बारे में वो देखेंगे, आज मुश्किल है ये रोड खुलना, कल के कुछ लगा सकते हैं यहाँ पे, अपना जो भी तैयारी करेंगे वो करेंगे तो फिर तभी जाके हो पाएगा, आज मुश्किल है ये खुलना। तो कुछ गाड़ियाँ वहाँ फंस चुकी है सामने, वो देख लेंगे आप, रोडवेज है कोटद्वार की हल्दुफाल की गाड़ी, रामनगर ट्रक है सामने, वो ट्रक ही फंस चुका है। तो ये है और जेसीबी यहीं पे खड़ी है, जेसीबी कोई तो फायदा नहीं हो रहा यहाँ पे, क्योंकि अब देखेंगे क्या करते हैं। तो साथियों देखते रहेगा संजीने की पहाड़ी पेज, इसी तरह से मिलते हैं जेसीबी भाई हमारे साथ। भाई कुछ पॉसिबल बन रहा, कुछ पॉसिबल बन रहा है यहाँ पे, मुश्किल है ना? अच्छा अच्छा, वो देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं अभी इसका, देख रहे हैं कहाँ तक कितना साफ हो सकता है गाड़ी निकालने के लिए। ये सामने पाइप भी लगे हुए थे नीचे, वो भी दब चुके हैं सामने, बड़े बड़े पाइप देखिए आप पानी के, ये भी मुड़ चुके हैं यहाँ से, टूट चुके हैं, ये पूरा एरिया ऊपर से आया। बाल बाल बचा, आप देख रहे होंगे ना, आपने अभी देखा था जो बाइक था, बाल बाल यहाँ पे बचा है। तो देखते रहेगा साथियों संजीवनी की पहाड़ी पेज, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, फॉलो भी जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।